हाल ही में हुए राज्य के बजट अधिवेशन में सरकार ने लाडली बहन, लाडला भाई आदि विभिन्न जन उपयोगी योजनाओं की घोषणा की है, किंतु अतिवृष्टि से फसलों के क्षति के मामले में मुआवजे को लेकर सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है। इससे नाराज एक युवा किसान ने हाथ में पोस्टर लेकर अतिवृष्टि से पीड़ित किसानों को बेगाना न करने की अपील राज्य के मुख्यमंत्री से की है। उक्त अपील लाखानूर तहसील के किरमटी निवासी जयपाल भांडारकर ने की है। पिछले 20 से 22 जुलाई के दौरान तहसील के विभिन्न क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अतिवृष्टि हुई। इस अतिवृष्टि से खासकर चौरास क्षेत्र के कुछ गांव के हजारों हेक्टेयर क्षेत्र की धान फसल पानी में डूब गई। लगातार 5 से 6 दिनों तक उक्त फसलें पानी में डूबी रहने से हजारों हेक्टेयर के धान सहित अन्य खरीफ फसलें सड़कर नष्ट हो गयी। बताया जा रहा है कि तहसील के चौरास क्षेत्र के कुछ किसानों की धान की नर्सरी पानी में डूबी रहने से सड़ गई। इस कारण उक्त क्षेत्र के सैकड़ों एकड़ में धान फसल की बुआई अधर में अटकी हुई है। इस मामले में सरकारी निर्देशों के अनुसार तहसील प्रशासन ने क्षतिग्रस्त फसलों के ई पंचनामे करने के निर्देश दिए, किंतु उक्त निर्देशों के अनुसार अभी तक प्रत्यक्ष रूप से क्षतिग्रस्त फसलों के ई पंचनामे की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। अचानक आलेल्या अतिवृष्टीच्या पावसामुळे संपूर्ण लाखांदूर तालुक्यातील शेती ही पाण्याखाली जाऊन संपूर्ण शेतीचं 100% नुकसान झालं आहे। लाखांदूर तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी भात शेतीवर पीक कर्ज काढून शेतात भाताची लागवड केली होती आणि अचानक आलेल्या अतिवृष्टीच्या पावसामुळे संपूर्ण 100% ही पीक हा पाण्याखाली गेला आणि खराब झाला। तरी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब यांना माझी अशी विनंती आहे की ज्याप्रमाणे तुम्हाला बहीणही लाडकी झाली आणि भाऊही लाडका झाला, पण नुकसान भरपाईच्या वेळेस मात्र माझ्या शेतकऱ्याला परका करू नका आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला एका एकरामागे 50,000 रुपयाची मदत आणि शेतकऱ्यावरील कर्ज माफ करा अशी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री साहेब एकनाथजी शिंदे यांना माझी नम्र विनंती आहे। नाहीतर आम्हा शेतकऱ्यांना आत्महत्या केल्याशिवाय कुठलाही पर्याय राहिला नाही आणि माझी मागणी पूर्ण करतील अशी मी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांना नम्र विनंती करत आहोत। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां अपने केबल नेटवर्क के SCN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151717 पर।